छिंदवाड़ा के मांडलगढ़ में बिजली और जलदाय विभाग की ओर से क्षेत्रवासियों को बिल जमा करने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि इस समय आम आदमी व्यवसाय बंद होने से असहाय है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2 माह के बिजली और नल के बिल माफ कर राहत देने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में बताया कि समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा, प्रवासियों को होम क्वारंटाइन प्रशासन की नजर में करने की मांग की है। विधानसभा की तरफ से मानकर उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आज ही कोरोना वायरस की जो बीमारी भयंकर रूप ले चुकी है, इसके जो धंधे बिल्कुल 2-3 महीने से सरकार ने बंद करा रखे थे, कर्फ्यू लगा रखा था, उसके बाद भी सरकार की तरफ से जो बिजली के बिलों में पेनल्टी लगा के बिल भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे सूचना भेज रहे हैं कि 2% लगेगा, 5% लगेगा, ये आम जनता